हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम देख रहे हैं ज्ञानवापी ब्रेकिंग न्यूज। कुछ नया हुआ है। मैंने इतना पढ़ा था कि उन्होंने अंदर वो जो है तहखाना या जो भी बोलते होंगे वहाँ पे, उसकी चाबी तो मिल गई थी और उसके अंदर गए हैं और शायद वहाँ पे कोई मूर्ति मिली है। मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, बट आई एम नॉट श्योर। तो देखते हैं इसमें अगर कुछ शेयर करें तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो उन्होंने अपनी इबादतगाह को मस्जिद में तब्दील कर दिया, तो कलाकृति वगैरह का जो जिक्र आ रहा है, मैं समझता हूं कि बेसिक बात मौलाना ने एडमिट कर ली है कि ये जगह मूलतः मंदिर थी, कन्वर्ट होने के बाद तुम आज एडमिट कर चुके हो कि 500 साल पहले यहां कुछ एक कांड हुआ था, कुछ गंदगी मची थी, कुछ अनैतिक हुआ था जिसके सर्वे के तहत उसके जख्म हरे होंगे। मैं नहीं बोल रहा, इस्लामिया कमेटी का अधिवक्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बोल के आया है। तो दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी को राहत नहीं दी, बस एक शर्त लगा दी कि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सर्वे सर्वे करें। लेकिन आज के वीडियो का नाम है कि जाने अनजाने मस्जिद पक्ष ने यह मान लिया कि ज्ञान वापी मंदिर है। इसलिए आज के थंबनेल में मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जो मैं हमेशा लगाता हूं। ये मेरी सोच नहीं है, मस्जिद पक्ष ने जाने अनजाने मान लिया है कि ज्ञान वापी मंदिर है। एक सम्मानित जिसका कुछ गटर छाप हाथ चूमते हैं और उसका दम भरते हैं, एक मौलाना ने मान लिया, खुला मान लिया। हम कंटेंट को जब सर्च करते हैं तो एक एक शब्द एक एक अल्फाज पकड़ के चलते हैं। मीडिया से यह बात मिस हो गई जो आज आपका भाई आपके लिए पकड़ के लाया है और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा है कि यह मान लिया गया है कि ज्ञान वापी मंदिर है। तो मौलाना साहब ने कैसे माना यह सुनाऊंगा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़े होके मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता फैजुल अहमदी, उन्होंने कैसे मान लिया जाने अनजाने कि ज्ञान वापी मंदिर है। जी हां, मान लिया। पता नहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका तत्काल संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्योंकि मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने एक तरह से एडमिट कर लिया है, सीधे सीधे इंटरप्रिटेशन पर कबूल कर लिया है कि ज्ञान वापी मंदिर है। छोटा वीडियो है, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं तो अपनी समझ से, अपने मन से बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं जो मीडिया से मिस हो गई है, सोशल मीडिया पे मिस हो गई है। पूरा वीडियो देखिएगा। मान लिया गया है कि ज्ञानवापी मंदिर था। अभी हाँ, तो कब से बोल रहे हैं। अभी जो उसने बोला था हमने कन्वर्ट किया, तो मान लिया था तुमने कन्वर्ट किया। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब मुसलमान भाइयों, कैसे हैं आप। धत तेरे की गटर छापो, देखा मुंह से निकल गई बात। और एक नहीं, दो नहीं, एक मौलाना ने, एक अजीज और सीनियर मौलाना ने, और एक अधिवक्ता ने जो मस्जिद पक्ष को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने मान लिया है कि ज्ञानवापी मंदिर था। 21 दिसंबर 2021, लगभग 1.5 साल पहले आपके भाई ने क्या बोला था, क्या हिदायत दी थी, पहले वो सुनिए। और आज साथियों, आप लोगों को बता रहा हूं, आज भी वक्त है। आज की फिर इस वीडियो की डेट याद रखना और भले गालियां दो, मथुरा काशी को लेके सम्मानजनक तरीके से समझ हाजिर हो। बाबा विश्वनाथ बनाम ज्ञानवापी मस्जिद, एक तो नाम ही अजीब है ज्ञानवापी, ठीक, समझ को जीतने दो और इसका कोई सम्मानजनक समझौता कर लो। कल को बीजेपी रहे ना रहे, मैं पॉलिटिकल कमेंट्री में नहीं जाता हूं। सिर्फ बवाल को एक चीज रोक रही है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे जगह का रुका हुआ है। जिस दिन जैसे तैसे, आज या 5 साल बाद या 1 साल बाद या 20 साल बाद, वो सर्वे अलाउ हो गया,
अयोध्या का केस तो फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड था, यहां तो जाके खड़े हो जाओ उसके सामने ज्ञान बापी के, आंख वो मस्जिद चीख चीख के बोलती है दीवारें चिल्ला चिल्ला के, और ये अमानत पर बनी हुई हूं, चीख चीख। ठीक 21st of December 2021 में मैंने समझाया था कि एएसआई सर्वे इसका हो के रहेगा, आज हो कल हो या परसों हो, और जिस दिन ये सर्वे हो गया चले हो गया, उसके बाद उसमें दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा। लेकिन सर्वे के आदेश की खलबली में एक मौलाना साहब कबूल कर गए कि ज्ञानवापी मंदिर है, और सबसे बड़ी बात मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये कबूल कर गए कि कोई चोरी को, किसी घटना को, किसी उत्पीड़न को, किसी वैश्याना हरकत को छुपाया जा रहा है। तो पहले सुनिए मौलाना साहब ने अब सर्वे को नजर करते हुए क्या बचाव अपने मस्जिद पक्ष का पेश किया है, यहाँ मेजोरिटी के ऊपर अत्याचार पेश करने में ही कबूल गए कि ज्ञान बापी मंदिर था। सुनिए उसके बाद से अत्याचार हो रहे हैं। हद तक मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया देखा तो बहुत से हिंदू हजरात हमारे इस्लाम से मुतासिर होकर गोल के गोल मुसलमान हो जाते थे, पूरे पूरे इलाके मुसलमान हो जाते थे, और जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने अपनी इबादतगाह को मस्जिद में तब्दील कर दिया, कलाकृति वगैरह का जो जिक्र आ रहा है, अपने प्लेस ऑफ वर्शिप को वो कह रहे मस्जिद बना दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबरदस्ती तोड़ के किया, उसने अपनी इबादतगाह को मस्जिद की शक्ल, क्या नैरेटिव चेंज किया, कबूल लामा, क्या नैरेटिव चेंज किया, कबूल लामा, बस इतना हो गया कि मौलाना तौकीर रजा ये बोल गए कि जब यहाँ पर इस्लाम ने फैलना शुरू किया अक्रांताओं और सूफीज के आने के बाद तो क्षेत्र के क्षेत्र कन्वर्ट हो गए, तो इनका कथन ये है, अगर इनके कथन को सच मान लो कि इस काशी के क्षेत्र में जो हिंदू भाई थे वो कन्वर्ट हो गए और उन्होंने, और उन्होंने अपनी इबादत की जगह यानी मंदिर को में कुछ चेंजेस आधा कर दिया आधा नहीं किया, क्या मतलब मस्जिद बना लिया, उसमें बोल रहे थे ना कि हम एक साइड मंदिर है उसी के साथ कंटिन्यूएशन उधर हो गया कि इसका जो फाउंडेशन है या जो बेस स्ट्रक्चर है कोर स्ट्रक्चर है वो ये मंदिर है। कुछ लोगों ने कन्वर्ट होने के बाद, कुछ हिंदुओं ने कन्वर्ट होने के बाद इस मंदिर को मस्जिद बनाया था, विदाउट गोइंग इनटू द कंट्रोवर्सी कि इस जगह को औरंगजेब ने तोड़ा या किसी ने तोड़ा, गौरी ने तोड़ा, बिना इस कंट्रोवर्सी में जाए ये बात वो तो कबूल कर ही लिया गई है, वो कबूल तो कर ही लिया, तोड़ के बनाया गया या उस जगह को में उसके रूप में ओरिजिनली टेंपल था ये मैं एडमिट कर लिया, या उन्हीं लोग जो हिंदू कन्वर्ट ओवर स्मार्ट बनते बनते उसके मुंहसने, ये सब बातें अलग हैं, बेसिक बात मौलाना ने एडमिट कर ली है कि ये जगह मूलतः मंदिर थी, कन्वर्ट होने के बाद हिंदुओं ने इसको थोड़े बहुत चेंजेस कर मस्जिद बना दिया, जो मतलब वो शिवलिंग है हमारे जिसमें वो पानी डाल के हाथ धोते हैं, बहुत बड़ा एडमिशन है ये, इन्होंने एक नए एंगल से चीज को समझाया है, पर ऐसे समझाओ या वैसे समझाओ समझाने वाली बात है, सब जाने सब झूठ बोल रहे सब गलत हुआ, ये चीज स्टेटमेंट के बाद आज फाइट नहीं हो गई है मौलाना साहब के हिसाब से कि ये जो मस्जिद आज बताई जा रही है पहले ये मंदिर था, और इससे ज्यादा तीन साल पहले जब से ये हो रहा है तब क्यों नहीं माने थे, अब क्यों मान रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट में पता चलने वाला है ना, मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने आपको मैं ये फुल स्क्रीन दिखा रहा हूं, मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने क्या बोला है, फुल स्क्रीन आपको दिखा रहा हूं, उसकी बात पकड़ के चलिएगा। By ordering the survey and by going back in the history as to what happened 500 years ago, सर्वे का आदेश देने के बाद आप 500 साल पहले हिस्ट्री में जा रहे हैं कि वहां क्या हुआ था,
वायलेटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को वायलेट किया, वो कुछ नहीं, उसका वायलेशन करते हुए, यानी पहले स्टेटमेंट अधिवक्ता ने ये माना है कि 500 साल पहले आप जो जा रहे हो हिस्ट्री में, वहां क्या हुआ था वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हटा दो खंडन करता है, उसको वायलेट करता है। पहले मुस्लिम पक्ष मस्जिद पक्ष ये कह रहा था, मुस्लिम पक्ष क्यों बोलूं, मस्जिद पक्ष और गटर छाप पक्ष पहले ये कह रहा था कि ये वर्जिन लैंड है, फेयर लैंड है, यहां पर कभी मंदिर था ही नहीं, अगर कभी यहां मंदिर था ही नहीं तो हम एक सम्मानित काबिल अधिवक्ता की बात मान ले जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है और अपनी बात बोल रहा है कि अगर यहां मंदिर था ही नहीं तो सर्वे में जाकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कैसे खंडन होता है कि 500 साल पहले क्या घटना हुई थी। और दूसरा बयान अधिवक्ता का बहुत ही सनसनीखेज है, कहीं मीडिया में यह चीज नहीं पकड़ी गई है। फिर हमारे अधिवक्ता बोलते हैं मस्जिद पक्ष के, ही आल्सो सेड दैट व्हेन यू स्टार्ट द सर्वे यू आर अनरेवलिंग द वुंड्स ऑफ द पास्ट एंड इन दिस वेरी सेम थिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सीक्स टू प्रोहिबिट। अधिवक्ता इस इंतजामिया कमेटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कल बोल दिए कि आप सर्वे का जो आदेश दे रहे हैं 500 साल पुराने जख्म को आप हरा कर रहे हैं, तो पहले से ही हरा है, सच्चाई सामने। इट इज गेम ओवर, इट इज एडमिशन बाय ए मौलाना, रिस्पेक्टेड मौलाना बाय द गटर छाप्स एंड द लॉयर ऑफ द इस्लामिया कमेटी द मस्जिद पक्ष आर्गुइंग इन द सुप्रीम कोर्ट कि 500 साल पुराने जख्म आपका आए कुरेद रहे हैं। पता मुझे इस बात की खुशी है कि अब हमें जस्टिस मिलेगा, पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। बहुत सारे होंगे जहाँ पे नहीं, आपको क्या क्या फाइट करनी पड़ेगी कोर्ट में, आई डोंट नॉट नो। मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि वो वाकई में शिवलिंग था जिसकी इतनी इंसल्ट की गई कि वहाँ पे वो लोग अपने हाथ पैर और वो सब धोते थे, कितनी हमारे भगवान की इंसल्ट है, उनको तो हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ऊपर से ऐसे कर रहे हैं। ये किसी और रिलीजन में कोई ऐसे उनके भगवान को डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता, कोई सहता, ये तो हम लोग हैं देखो फिर भी लॉफुली कर रहे हैं, हम ही हैं, अगर ये कहीं और हुआ होता तो बताओ क्या होता। से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, वो ये थी अगर एंड उनको पता था कि इसमें शिवलिंग है, वो फिर उस शिवलिंग की जगह पे उन्होंने ये बनाया। अगर बाहर से कोई एग्रेसर आ रहा है और वो तुम्हें डिफीट कर देता है तो अपना तरीका अपना कल्चर लेके आता है, और फिर जब आप आज़ाद होते हैं तो आपको अपनी चीज़ें वापस ले लेनी चाहिए। नहीं अब वो फेस आ रही है कि धीरे धीरे चीज़ें वापस आ रही हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तो निकालो, किसने बनाया था इसको निकालो, क्योंकि अल्टीमेटली ये है कि जिसने बनाया था जो है वो उसने उसकी सोच गंदी थी। जब कोई ओरिजिनल इंसान वापस जीतता है दे शुड रिक्लेम जो चीज़ें उस एग्रेसर ने ली थी, और वही धीरे धीरे हो रहा है और यहाँ प्रमाण मिल रहे हैं, शांति से सब कुछ हो रहा है, अच्छाई से हो रहा है, प्रॉपर तरीके से हो रहा है, प्रूफ जहाँ नज़र आ रहे हैं वहाँ लोग जा रहे हैं और कोर्ट केस में जीत रहे हैं और चीज़ें उनको मिल रही हैं, विच इज़ अ सिविलाइज्ड वे ऑफ गेटिंग द जॉब डन। सीखें बाकी लोग भी इससे कि कैसे सिविलाइज्ड वे से लॉफुली काम किया जाता है। बिल्कुल, और ये हम लोगों का है कि हम लोगों ने इतनी इंसल्ट जो हो रही है हमारे भगवान जी की, उसके बावजूद भी इतने सालों तक लॉफुली वेट करते रह रहे हैं, और अभी और कितनी चीज़ें हैं जिनमें इस टाइप का हो रहा है और उसके लिए भी हम लॉफुली ही करेंगे। दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ अ रिलीजन, ये हमें सिखाया गया। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।